नाज़रीन देख रहे हैं इस वीडियो को और फार्मर्स हैं, मैं जल्द से जल्द उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस लाइव वीडियो में आ जाएं। आज दूसरा दिन है, सेकंड डे, और 10 तारीख जनवरी 2021, और दूसरे दिन की हार्वेस्ट मछली हो रही है। तो इंशाल्लाह कल के जो रेट थे वो मैंने आपको दोस्तों को अपलोड कर दिए थे शाम को। आज भी मैं जब मंडी जाऊंगा तो उस वक्त भी मैं आपको लाइव भी आऊंगा कुछ, और वहां जाके आज के रेट भी अपडेट कर दूंगा। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, व्यूज़ वो जल्द से जल्द आ जाएं, ज्वाइंट हो जाएं और कमेंट्स करें, नाम लिखें कमेंट्स में, कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकता है। और साथ ही साथ ये बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है और तस्वीर साफ आ रही है। जितने भी दोस्त अहबाब फिश फार्मर्स, अब ये देख सकते हैं वो लड़के लगे मछली निकालने को। जो भी मुझे लाइव सुन सकता है वो प्लीज़ कमेंट्स में अपना नाम लाजमी लिखे। टोटल कितनी गिनती चल रही? जब इधर आएगा तो गलती करेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस हापे में कौन कौन सी मछलियाँ आई हैं। वो हापा ये रखा है ना, ये दे देना इसको। आप देख सकते हैं मछली लाया है ये निकाल के। क्या हाल है बागड़ी? चार क्यों निकालें? दो लेके जा दो। ये मंदूर निकाल जरा मछली। व्यूवर्स अभी हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये मुराकी मछली है, ये रहु है, ये देखें ये रहु मछली है। तेरे को बोला था सिल्वर लेकर आ, तू भी रहु ले आया, मुराकी मछली। चलो ये दया मछली है, ये दया मछली है, आप देख सकते हैं। ये वाइल्ड फिश है जो कि मेरे बाउंड में आ गई थी। इंशाल्लाह इस तालाब में बहुत है जो कि मेरा खर्चा निकाल देगी। आप ये देख सकते हैं इसमें ग्रास भी है, मुराकी है। दो मछलियां ले जा कोई सी भी, दो मछलियां कोई सी भी ले जा। घर के बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। हाँ वो इधर ही पका के लाएगा, कौन सा एक दया ले जाना, पका दो मछलियाँ ले जा। चार ले जाए, चार। अभी तो घोड़ा घोड़ा कर रहा है, मैं दाल खिलाने के चक्करों में था। अभी फिलहाल ये मंजूर दो मछलियाँ दाल दे, एक दया भी दे दे, तीन ले जाएगा ये। एक वहाँ पे मैं वापसी बांध दे, देख रो दाल के दे रहे हैं तेरे को अभी। दया दाल देख, नहीं नहीं बस सही है, नहीं 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 सही है सही है सही है। अब ये वो उसमें आपे में बांध दे जा, तीन दाने हो गए ना दया के साथ, तीन दाने हो गए। दया शाम को मैं और मंजूर भी खाएंगे। अरे खड़े आपो है, आपो ले जाइए आला आपा। आप देख सकते हैं आपको अभी मैंने रोहू का रिजल्ट भी दिखाया, मुराकी का भी। कल कल भी यही था, 1.25 किलो के करीब की मछली है, ज़्यादा बड़ी मछली नहीं हुई। और दरअसल लेबर 6 है, आप कमेंट्स में बताएं मैंने इनको 3 मछलियाँ खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी ये यहाँ सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जितना भी पाउंड नज़र आ रहा है इसकी, आज मछली हम आज दूसरा दिन है हम इसकी मछली निकाल रहे हैं। तो
तो आप जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी इस टाइम लाइव मेरे साथ ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, लाइव मेरे साथ आ रहा है, जो मुझे देख सकता है, उससे गुजारिश करूंगा मेरी वीडियो को शेयर करें आगे दूसरे फार्मर्स को भी, और मैं आज का रिज़ल्ट इनको शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह शाम के वक्त मैं पहुंच जाऊंगा मंडी, और आज के रेट जो मुझे लगेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जितने भी फार्मर हजरात हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इससे दूसरे फार्मर्स को भी फ़ायदा हो। अभी आ रहा है, आपको दिखा सकता हूँ। और इन भाई से जो है, क्या नाम है वो, किधर गया? बागड़ी, बागड़ी इधर आ अपना। तू जनाब, नाम क्या है आपका? आचार। आपका नाम आचार है। आप हाँ। मुझे ये बताएं कि ये जो है, शाम के वक्त जब तालाब खाली होते हैं, जब हम मछली निकाल लेते हैं, तो आप इधर किस चीज़ का जाल लगाते हैं, जो किस चीज़ को पकड़ने के लिए? गिद्धड़ों को और बिल्लों को, मतलब गिद्धड़ और बड़े बिल्ले। बड़े बिल्ले और गिद्धड़, ये मछली खाने वाले बिल्ले हैं वो। अच्छा, जो गिद्धड़ है ये आपको तंग तो नहीं करते, मारते तो नहीं है? किस तरह पकड़ते हैं, क्या तरीके कार होता है? मारने में आसान है, कोड़ की भी मारते हैं। अच्छा, पकड़ने की होती है वो। अच्छा, आपका नाम क्या था? आचार सर। आचार, आचार। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये गिद्धड़ को पकड़ के और बिल्लों को पकड़ के आप क्या करते हैं इसके साथ? खाते हैं, दूसरा क्या करते हैं सर। अच्छा, मतलब ये गिद्ध और बिल्ले भी काम की चीज है। और चीज है तभी तो मार रहे हैं उसको। अच्छा, ये इसका गोश्त खाने में कैसा होता है, बकरे की तरह या मुर्गे की तरह? सर यार, अभी जो खाता है उसको मालूम होगा। अच्छा, कि कैसा गोश्त है उसका। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ के जो कुछ लोग हैं बागड़ी, जिनको हम बागड़ी बागड़ी है ना, हाँ, इनको बागड़ी कहते हैं। ये जो है यहाँ पे इनके ये इस चीज़ को खाते हैं, गिद्धड़ हो गए, बिल्ले हो गए, और मछली जो प्राणी होती है वो भी। नहीं नहीं कुछ नहीं होता यार, ये तो यार बंदा अभी चाइनीज़ है, वो आपको पता है चाइनीज़ क्या खाते हैं, और इधर आते हैं आग कुत्ते खाए जाते हैं। आप तो नहीं खाते ना वही? अब देखो, ये जो है ना, हर मज़हब में हर बंदे का अपनी अपनी राय है, जो क्या खाता है, किसके मज़हब में हलाल है, किसके मज़हब में हराम है चीज़ें, पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब चाइनीज है, इधर आ जाए, हम उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें लगाने लिखाने शुरू हो जाएंगे। वो क्या खाते हैं? कुत्ते बिल्ले खाते हैं, वो भी कुत्ते खाते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, मछुआरों ने जाल लगाया हुआ है, फिशिंग हो रही है आज। आज फिशिंग का सेकंड डे है, और ये एक दिन, ये यहाँ तक के कछुए जो आपने देखे होंगे पानी के अंदर, कछुए होते हैं, टर्टल्स होते हैं, उनको भी ये खाते हैं। तो एक दिन ये आया था मेरे पास कछुए पकड़ने, मैंने बोला कछुओं को क्या करोगे, बोलते यार हम खाते हैं। दरअसल यहाँ के लोग हैं, अभी देखें हर चीज़ जो है, ये गरीब लोग हैं और इनका जो है ये गुजर बसर इन्हीं चीज़ों से होता है। ये बागड़ी हैं, जात के मेरे ख्याल में हिंदू है ना? हाँ, हिंदू हिंदू हैं ये, और ये चीज़ें खाते हैं। कोई नहीं, अभी चाइनीज़ हैं वो, आपने देखा होगा, चिपकली भी खा लेते हैं और बिल्लियाँ भी खा लेते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो इसी तरह इनके मज़हब में भी ये कोली हैं, जात के, जिनको कोली कहते हैं। विराट कोहली, विराट कोहली भी आपका ही जात का है ना, जो इंडियन क्रिकेटर है विराट कोहली। अब विराट कोहली भी जो है वो इन्हीं की जात का है। कोहली हिंदुओं की एक कौम है बड़ी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फिशिंग हो रही है सेकंड डे की, और इंशाल्लाह शाम को तीन चार बजे मैं जाऊंगा, और 3-4 बजे जाके मैं आपको जो मेरी मछली की रेट, जो मेरी मछली के रेट लगेंगे, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शाम को अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब में। और वापसी, जब मंडी से वापसी आऊँगा तब भी थोड़ी देर लाइव आऊँगा। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ी रहिए, और आपको मालूमात होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। आज हम कितनी मछली निकालते हैं, कल हमने निकाली थी, जो गिनती हुई थी वो 1100 मछली हमने कल निकाली थी। आज इरादा यही है कि 1500 से 2000 के करीब आज मछली निकल जाए, क्योंकि मैं और भी काम कुछ कराने पाउंड में, जो कि हमने पुराना पाउंड भी तैयार किया था, उसमें भी क्या मरहले गुजरेंगे। और ये जो पाउंड था जिससे हमने पहले मछली निकाली थी, आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने पोल्ट्री वेस्ट डाला था, फिर उसके बाद इसी के अंदर मैं पानी अभी छोड़ रहा हूँ। इसमें 2 हफ्ते ऐसे ही पानी पड़ा रहा, अभी इसके बाद जो है पानी मज़ीद फुल कर रहा हूँ इसके अंदर काफ़ी।
पैदा होगी। ये पहले इसका रंग जो था सुर्ख कलर का हो गया था, ब्राउन, और अब इसका रंग जो है पानी का ग्रीन हो गया है। और इंशाल्लाह आगे जो जो मरहल गुजरेंगे और मछली का बच्चा जो हमने शिफ्ट करना है इसके अंदर, वो 200 ग्राम का शिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह, जिसमें रोहू होगी, थेला होगी और मराठी मछली होगी। आप देख सकते हैं वो लड़के पकड़ रहे हैं, ये फिशिंग हो रही है इस वक्त सेकेंड का। तो अभी मैं अपने व्यूअर से इजाज़त चाहूँगा और उनसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरी जब भी मैं लाइव आऊँ तो अपने फार्मर दोस्तों को मेरी वीडियो लाजमी शेयर करें। अब देख सकते हैं बकरियाँ घास खा रही हैं, बहुत खूबसूरत। मुझे इस तरह के एरिया में मैदानी इलाके में आना भी पसंद है, कराची के शहर से बड़ा शोर शराबा, इधर कोयल की आवाज़ सुबह आती है, प्यारी जगह है। पर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब यहाँ बस खुली जगह जो है ये बकरियाँ घूमती हुई खूबसूरत लगती हैं, माहौल है, एक गांव का माहौल मुझे बहुत पसंद है। और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा कारोबार भी दिया है, अभी आप भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमाए। और तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, मेरे पौंड के साथ बिल्कुल ही नहर है, जिसकी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो हैं नहर कछुए निकाल। हाँ कछुए निकाल, अब ये मुझे कह रहा है बागड़ी मैंने आपके तालाब में से कछुए निकालने, तो मैं बोला निकालो, हमारे तो किसी काम के नहीं। ये देखें ये बकरियाँ, और इस तरह गांव देहाती माहौल मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह जब मैं अपने गांव बदीन लेकर गया आपको, तो वहाँ भी इंशाल्लाह लाइव आऊँगा और आपको दिखाऊँगा, इरादा है। अभी कुछ दिन पहले भी गया था बदीन। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सीवेटर चल रहा है एरीगेशन डिपार्टमेंट का, और ये नहरों की सफाई होती है। ये आप मुझे बता सकते हैं ये कब कब नहरों की सफाई कर... एक सेकेंड। अच्छा, दो साल में होती है, तीन सालों में होती है, चार साल में होती है, जब भी जो जंगल बहुत होता है उसमें में खर्ची होती है दो साल में। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं आप। अच्छा, नूर अहमद दारोगा, ये आपकी पोस्ट है? जी हाँ। अच्छा, और मुझे ये बता सकते हैं कि लास्ट ईयर कब हुई थी, लास्ट दफा कब हुई थी इधर नहर की सफाई? पहले थी 2018 में था। अच्छा, अभी मैं 2021 में चला विषय एक ही में। अच्छा, 2018 में पहले मशीन चली थी, अभी 2021 में नहर की सफाई हो रही है। इससे जमींदार को क्या फायदा है और इससे क्या होता है जब नहरों की सफाई को? यो ये जो ट्यूबवेल वाले जमींदार है उसको पानी ये मिलेगा, खांसी निकालेगा, पानी बहुत ज्यादा जाएगा, इस वजह से उसको फायदा होगा। अभी जंगल होगा, मिट्टी ज्यादा होगा। अब आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो पीछे मेरे एक्सीवेटर चल रहा है ये नहर है, ये मेरे तालाब के जो कि अभी बिल्कुल सूखी हुई है, जो कि बिल्कुल पानी इसका जो है डाउन हो गया है। और यहाँ पे जो ये मशीनरी चल रही है ये आप देख सकते हैं कितना है और कितनी गंदगी है, और इस चीज़ को ये साफ़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, वो एरीगेशन डिपार्टमेंट वाले इस नहर को साफ़ कर रहे हैं। और ये पिछले से 2018 में साफ़ हुई थी लास्ट टाइम, और अभी दो साल बाद दोबारा इसकी सफाई का काम जारी है। और ये सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घास वगैरह इसमें से निकलता है, और ये जंगली घास निकल जा उगाता है, मिट्टी निकालते हैं जो कि दरिया की जो मिट्टी है वो आ जाती है, वो साफ़ करते हैं। और इसमें जो पन उग जाता है ये आप जंगली घास देख रहे हैं कितना सारा उस किनारे पे उगा हुआ है, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और नहर में पानी भी कम आता है। और जो किसान लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके फार्मर हैं, उनको वाटर में पानी भी कम मिलता है, जो छोटे छोटे नाले बने होते हैं। ये देख सकते हैं मशीन लगी हुई है नहर की सफाई कर रही है। आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से कि इन्होंने कितनी, यहाँ से देखें कितनी तंग है एरिया, और जहाँ से ये साफ़ करता जा रहा है आप वो देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये नहर की सफाई हो रही है। अभी इसमें पानी बिल्कुल ना होने के मुताबिक है, पानी बिल्कुल बंद कर दिया पीछे से, और ये नहर की सफाई हो रही है। और ये मिट्टी जो है इसके साइड किनारों पर बंद पर डाल रहे हैं,
ये मेरा तालाब जो है बिल्कुल नहर के साइड में है। यहाँ का जो एड्रेस है वो शेख तुराबी की दरगाह को जो रास्ता जाता है ये वही रास्ता है। ये जाम ब्रांच नहर है जिसकी ये सफाई हो रही है, 2 साल बाद इसकी सफाई हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी इन्होंने निकाली है। ये मेरा पाउंड है, ये नहर है बिल्कुल साथ। और मज़े की बात, मेरे फॉर्म के बिल्कुल साथ ही नहर है और यहाँ पे पक्का रोड आता है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि वाटर बंद है। हम तो अभी अच्छा आपके चले, मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने व्यूअर से। अभी मैं मार्केट जाऊँगा और रेट के भी आपको शेयर करूँगा। वापसी जब मैं मार्केट से वापसी आऊँगा आप लोगों से बात भी करूँगा, लाइव भी आऊँगा। और काइंडली मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को शेयर करें ताकि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो और फार्मर हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि इस साल उन्होंने जो मछली पाली है वो उसका क्या रेट चल रहा है जनवरी के महीने में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।